नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और खबर विस्तार से में सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। और छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की संपत्ति कुर्क हुई है। मेयर एजाज ढेबर के भाई समेत दूसरे आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई। ईडी ने 205 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला जिस मामले में अनिल टुटेजा की जो ईडीआई कस्टडी है वो बढ़ा दी गई थी, अब इस मामले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है और संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। मेयर एजाज ढेबर के भाई समेत दूसरे आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई है और ईडी ने 205 करोड़ रुपए की संपत्ति कुल कुर्क की है। तो जो शराब घोटाला जिस मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा फिलहाल ईडी के शिकंजे में है, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, अब इसी मामले में उनकी संपत्ति भी कुर्क और एक बड़ी कार्रवाई यहां पर होती हुई। और सिर्फ अनिल टुटेजा पर ही नहीं, मेयर एजाज ढेबर के भाई पर भी ये बड़ी कार्रवाई और उनके साथ ही जो दूसरे आरोपी हैं इस छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में, उन सभी की संपत्ति कुर्क कर ली है। और कुल अगर बात कर ले तो ईडी ने 205 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। तो अनिल टुटेजा लगातार ईडी के शिकंजे में, ईडी लगातार पूछताछ करती हुई। और आपको बता दे 4 मई को इस मामले में, 4 मई तक ईडी रिमांड पर है, फिर सुनवाई होगी इस मामले पर। और लगातार ईडी पूछताछ कर रही है अनिल टुटेजा से और ऐसे में अब एक और पूछताछ के बीच बड़ी कार्रवाई और क्या कुछ जानकारी अनिल टुटेजा देंगे वो सब इकट्ठा ईडी कर रही है। और फिर जब सुनवाई होगी तो इस दौरान हो सकता है कि ईडी और रिमांड बढ़ाने की मांग करे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की संपत्ति कुर्क कर ली गई और जो आरोपी हैं इस पूरे मामले पर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले पर, इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं सबकी संपत्ति कुर्क और कुल मिलाकर 205 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बताएं, जहां पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की अगर बात कर ले तो ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करते हुए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा समेत सभी आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर ली गई। ब्रुक करेंगे अगली खबर का। और इंदौर में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने यह प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन, चूड़ियां लेकर पहुंची हैं बीजेपी महिला कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इंदौर से, जहां पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने इमरती देवी को लेकर एक विवादित बयान दिया और बयान पर अब घिर गए हैं। लेकिन उन्होंने खेद भी व्यक्त कर दिया है, माफी भी मांग ली है। लेकिन फायदा क्या जब आप ऐसी बयानबाजी करते हैं और उसके बाद माफी मांगते हैं, इसका फायदा क्या? और इसी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है और चारों तरफ से जीतू पटवारी घिरते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं जीतू पटवारी के खिलाफ। और ऐसे में पूर्व मंत्री इमरती देवी के विवादित मामले पर अब बीजेपी महिला मोर्चा ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और चूड़ियां लेकर बीजेपी महिला कार्यकर्ता इंदौर जीतू पटवारी के घर के बाहर पहुंच गई और वहां वो जमकर प्रदर्शन कर रही है। और ये प्रदर्शन की वो तस्वीरें कि किस तरह से जो महिला है वो नाराज है और महिलाओं का कहना, इस तरह के विवादित बयान अगर खुद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के देते हैं तो बाकी नेताओं से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि इस तरह के कोई अमर्यादित बयान कोई भी दे। और ऐसे में खुद पीसीसी चीफ जब ऐसे बयान देते हैं तो ये महिलाएं जो है वो कैसे जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई, इन तस्वीरों में आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है बयान को लेकर। हालांकि जीतू पटवारी ने माफी जरूर मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन ऐसे बयान देने का मतलब ही नहीं बनता और जिसके बाद आपको माफी मांगनी पड़े, तो ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दे दिया तो महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है वो सीधे इन तस्वीरों से नजर आता हुआ। और इंदौर में जीतू पटवारी के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा, उन्होंने ये प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और अब आपको वो दो तस्वीरें दिखाएंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इमरती देवी को दिए बयान के बाद। मध्य प्रदेश के में जो है वो सियासत तेज हो गई है, बीजेपी जीतू पटवारी पर हमलावर हो गई है
और बैतूल में जहां जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया, तो वहीं इंदौर में जीतू पटवारी के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा चूड़ियां लेकर जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। तो ये वो दो तस्वीरें, एक और बैतूल की तस्वीर जहां पर काले झंडे जीतू पटवारी को दिखाए गए, दूसरी तस्वीर इंदौर जीतू पटवारी के घर के बाहर की तस्वीर बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन की तस्वीर। और ये प्रदर्शन क्योंकि जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया है। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें और ये दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि कितनी नाराजगी है जीतू पटवारी को लेकर, और ये नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होती हुई इन तस्वीरों के जरिए। अब जीतू पटवारी के विवादित बयान पर सिंधिया ने भी निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष का बयान घटिया मानसिकता का प्रदर्शन, महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच निम्न स्तर तक गिर गई है, कांग्रेस को जवाब प्रदेश की सारी महिलाएं देंगी, ये कहा है सिंधिया ने। तो अब जीतू पटवारी के विवादित बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान सामने आया, उन्होंने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। इतना घटिया बयान भैया, पीछे करो, नीचे करो, थोड़ा ऐसा आएगी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यह मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। तो केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, मंत्री कृष्णा गौर ने इमरती देवी पर पीसीसी चीफ के अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र और मानसिकता महिला विरोधी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं, क्या वो उनको भी इसी नज़र से देखते हैं? श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी को इस बारे में जवाब देना चाहिए, और श्री जीतू पटवारी को भी यह बताना चाहिए कि क्या वो अपने घर की माँ, बहन और बेटी के बारे में भी ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं? क्या उनकी नज़र अपने घर की बहन और बेटियों और माता में भी रस और चाशनी ढूंढती है? तो जीतू पटवारी के बयान पर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बयान बताता है कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं की सोच क्या है। उन्होंने कहा कि रावण ने भी सीता माता का अपमान किया था, जो उसके विनाश का कारण बना था। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको वो सुनाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हमारी वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर जो बयान दिया है, एक महिला होने के नाते मुझे उसको बोलने में भी शर्म आ रही है, घृणा आ रही है। एक कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष जी की ही ये मानसिकता है, उनके ही अगर ये वर्ड है, तो पूरी पार्टी का क्या हाल होगा, ये उनके इस बात से स्पष्ट है। तो जीतू पटवारी के इस बयान पर सियासत तो प्रदेश में खूब हो रही है, लेकिन इमरती देवी ने भी अब वीडियो जारी कर दिया है और कांग्रेसियों को भगवान सद्बुद्धि दे, ये कहा है इमरती देवी ने। एक दलित महिला के बारे में ये सब कहना शोभा नहीं देता, मैं एसपी से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराऊंगी, ये कहा है इमरती देवी ने। मैं सरकार से कहूंगी कि मुझे न्याय दो। जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर विवादित बयान दिया था। लिख कहना चाहती हूँ भाई साहब कि जो कांग्रेसी लोग हैं उनकी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, और एक दलित महिला, एससी की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, लेकिन ये जो उनके तो कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह टचिंग माल कहते हैं, तो ऐसे कांग्रेसी तो ऐसी भाषा बोलने का उपयोग करते हैं, और इमरती के खिलाफ बोले जरूर है, लेकिन मैं एसपी नो जाऊंगी, उनकी उन पे एफआईआर कराऊंगी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार बहुत है कि सुन लिया, कमलनाथ ने आइटम कह दिया था, लेकिन ये अब इतनी इमरती को इतनी सस्ती ना समझे, ऐसा ना समझे कि मैं कभी भी कुछ बोल सकते हैं। मैं अब लड़ूंगी और मैं अपनी सरकार से भी कहूंगी कि मेरे साथ मुझे न्याय दो।
तो इमरती देवी ने ये वीडियो जारी करके कहा है कि वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। लेकिन इमरती देवी जी को एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि सिर्फ दलित महिला की बात नहीं है, बात महिला की। जब आप ये कहती हैं कि दलित महिला पर ऐसा बयान शोभा नहीं देता, किसी भी महिला पर ये बयान कहीं से भी शोभा नहीं देता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर क्या बयान दिया था जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर रही। उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर रही। तो सुना आपने कि जीतू पटवारी ने क्या कहा था। हालांकि अपने बयान के बाद विवाद बढ़ता देख जीतू पटवारी बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा था कि इमरती देवी बड़ी बहन के जैसी हैं और बड़ी मां समान होती है। पटवारी का कहना है कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। इमरती देवी जी का जहां तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हास उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। तो इमरती देवी पर कांग्रेस नेताओं के बयान अक्सर विवादों में घिर जाते हैं और ये पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया हो। जीतू पटवारी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इनसे पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कमलनाथ, उन्होंने भी इमरती देवी पर बेहद विवादित बयान दिया था। आप भी सुनिए। मैं क्या उसका नाम लूं, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर रही। और रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ पूरा गांधी परिवार उनके साथ रहा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया है। पूरा गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सभी उनके साथ मौजूद और साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। तो जहां खबरें थी कि राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी वो अमेठी में ही नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अब अपने जो पिक्चर है उसे क्लियर कर दिया है कि अमेठी से नहीं, अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें थी। और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी जब पिछली बार उतरे थे तो हार गए थे और इस बार रायबरेली चले गए। तो ये एक सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी को कहीं ये तो नहीं लग रहा था कि इस बार फिर वो अमेठी से हार जाएंगे, इसलिए वो रायबरेली चले गए। लेकिन रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस में सबसे पहले फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी सभी ने इस सीट से चुनाव लड़े और अब राहुल गांधी ने यहां से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, वायनाड से हारने वाले हैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, इसलिए भागकर रायबरेली पहुंच गए। राहुल से कहता हूं डरो मत भागो मत। सोनिया गांधी भी डरकर राजस्थान पहुंची, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा कि वायनाड से हारने वाले राहुल गांधी इसलिए भागकर रायबरेली पहुंच गए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर
अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि डरो मत और भागो मत। तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी चुटकी ली है। स्मृति ईरानी का कहना है कि मेहमानों का स्वागत है, उनके स्वागत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव नहीं लड़ने पर स्मृति ईरानी ने कहा कि ये बात का संकेत है कि कांग्रेस चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। तो सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं, राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी बयान दिए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत डरो मत डरो मत, अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था श्री राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है। यूपी का माहौल मोदीमय हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। ये बताता है कि अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, अब वायनाड में वो हारने वाले हैं और इसलिए भागकर फिर से रायबरेली आए हैं। तो अब रायबरेली से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भी अब राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा। तो बीजेपी नेताओं को सुना आपने, बीजेपी एक भी मौका नहीं छोड़ती कांग्रेस पर निशाना साधने का, और फिर बात जब राहुल गांधी की सीट बदलने की हो तो ये मौका तो बीजेपी खूब भुना रही है। तो राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सियासत भी गर्मा गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विस्तार न्यूज से कहा है कि राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है, राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं इसलिए रायबरेली आए हैं। ब्रजेश पाठक के मुताबिक यहां से भी राहुल गांधी बुरी तरह से हारेंगे। राहुल गांधी कहने से कोई फर्क पड़ रहा है? एक तरफा लड़ाई, यहाँ राहुल गांधी लड़ाई में नहीं है। राहुल गांधी जी सबसे भाग करके वायनाड गए थे तो उत्तर प्रदेश जनता रायबरेली जनता नकार चुकी है, कांग्रेस जीरो सीट पाएगी। राहुल गांधी अमेठी से थे और इस बार रायबरेली से आए हैं, क्या कहेंगे कि वो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो सीट, डबल जीरो कांग्रेस। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, रायबरेली में नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि कोई सीट यूपी में नहीं मिलने वाली है, जीरो सीट पर है, वायनाड से हारने का डर है, इस वजह से रायबरेली पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। कैमरामैन सुनील त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, रायबरेली। तो रायबरेली के बाद अब बात अमेठी की कर लेते हैं। यूपी के अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद किशोरी लाल शर्मा ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अमेठी से कभी नहीं गई थी, कांग्रेस कार्यकर्ता अमेठी में लगातार काम कर रहे थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप वो भी सुन लीजिए। यहाँ का रन तो जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी, तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव लड़ेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।